टीवी इंडस्ट्री का फेमस शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कायरव का किरदार निभाने वाले अभिनेता मयंक अरोड़ा अपने इस किरदार से पूरे टीवी पर छा गए हैं, जहां पर इनका कायरव वाला सिंपल समझदार किरदार हर किसी की जान बन चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कायरव के किरदार के लिए अभिनेता मयंक अरोड़ा पहली चॉइस नहीं थे। उनसे पहले टीवी इंडस्ट्री के 5 अभिनेता इस किरदार के लिए रिजेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए एक एक करके उन 5 अभिनेताओं से रूबरू हो लेते हैं जो कायरव के किरदार के लिए रिजेक्ट हो चुके हैं। मुंह से छल किए जाए सीरियल के सुपरस्टार हैं अभिनेता विजेंद्र कुमारिया, जिन्हें सबसे पहले कायरव का किरदार निभाने का मौका मिला था, पर इन्होंने अपनी हाई फाई फीस की वजह से शो में अपनी एंट्री पर रोक लगा दी थी और राजन शाही ने ज्यादा पेमेंट देना साइड कैरेक्टर कायरव के लिए सही नहीं समझा। फिलहाल परिणीति शो में काम कर रहे हैं एक्टर अंकुर वर्मा, जो इस शो में अभिनेता मयंक अरोड़ा का किरदार कायरव के लिए रिजेक्ट हो चुके हैं, तब जाकर इन्हें परिणीति शो में काम करने का मौका मिला है। दरअसल अंकुर वर्मा को थोड़े एटीट्यूड की भी प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो इस शो में आते आते रह गए। छोटे पर्दे पर अपनी किस्मत बना चुके अभिनेता सिद्धार्थ निगम को भी जब राजन शाही ने देखा तो उन्हें लगा कि क्यों ना इन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में कायरव का कैरेक्टर ऑफर किया जाए। पर सिद्धार्थ निगम तो अपनी बचकानी हरकतों की वजह से मीडिया में हमेशा आए रहते हैं, और ऐसे में शो मेकर राजन शाही ने कायरव का सीरियस कैरेक्टर इन्हें देना उचित नहीं समझा। इसी वजह से ये भी रिजेक्ट हो चुके थे। अभिनेता फैजल खान, जो खुद अभी छोटे बच्चे लगते हैं, उन्हें कायरव के किरदार से बहुत पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया था। दरअसल एक तो फैजल की हाइट ज्यादा लंबी नहीं थी, ना ही वो सीरियस नजर आते थे। ऐसे में ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मेकर ने इन्हें भी अभिनेता मयंक अरोड़ा के कैरेक्टर को देने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। अभिनेता पर्ल वी पुरी को भी कायरव के किरदार का ऑफर दिया गया था, पर मिस्टर पुरी देखने में इतने स्मार्ट और हैंडसम लगते हैं कि इन्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये किसी के बड़े भैया भी बन सकते हैं, जिस वजह से राजन शाही ने इन्हें इस किरदार के लिए कास्ट नहीं किया। तो दोस्तों, इन अभिनेताओं में से आप किसे कायरव के किरदार में देखना पसंद करते, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।